देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस में शुमार है हमारी दिल्ली के पुलिस वालों का नाम, और आज वो अपने इंसाफ के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। आज पुलिस वालों को अपने हक के लिए आंसू बहाने पड़ रहे हैं। तीन दिन पहले पार्किंग के छोटे से झगड़े से ये हंगामा शुरू हुआ और आज अभूतपूर्व प्रदर्शन में तब्दील हो गया। नौबत यहां तक पहुंच गई है कि पुलिस कमिश्नर की अपील के बावजूद पुलिस वाले अपना धरना खत्म करने को तैयार नहीं। 30,000 कोर्ट की झड़प के बाद जिस तरह वकीलों ने पुलिस वालों को निशाना बनाया है, अपनी वर्दी छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं ये पहनेंगे तो पिट जाएंगे। हर पुलिस कर्मी में गुस्सा है, उन्हें अपने मौजूदा अफसरों पर यकीन नहीं हो रहा है। अभी कुछ देर पहले आप सुनते, ये कह रहे थे मुद्दे की बात करो, आप तो ऑफिसर लोग हो, आपको घरों से निकलने की जरूरत नहीं है, पिटेंगे हमारे बच्चे हमारे जवान। यही वजह है कि वो फिर से किरण बेदी को लाने की मांग कर रहे हैं। वही किरण बेदी जिन्होंने 31 साल पहले वकीलों पर लाठीचार्ज किया था, आदेश दिया था, अडिग थी वो, और आज उनको याद किया जा रहा है। आज जो सीधा सवाल होगा वो दो किस्म के हमारे पैनलिस्ट हैं, एक वकील है और दूसरे पुलिस के अफसर। आज ये दोनों आमने सामने एबीपी न्यूज पर आपके रहने वाले हैं, सारे सवालों के जवाब आज इन दोनों को देंगे। लेकिन वो सीधा सवाल जिन पर आज की बहस करूं, उससे पहले आप ये देख लीजिए। वो निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक है और इसको दोनों पक्ष को बैठ करके यथाशीघ्र इस पे बैठना चाहिए। इसी में दिल्ली के पूरी दिल्ली का देश का भला है। कानून व्यवस्था देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरह बिगड़ा है और अब पुलिस ही धरने पे बैठ गई है और बिल्कुल चुप है गृह मंत्री और गृह मंत्रालय। कानून के रखवाले काले कोर्ट की गुंडागर्दी से हारे।